Ready. So we are crystal clear about how to use vector forms. So we learned linear momentum, we learned angular momentum, we learned two important things, angular momentum of a point mass about a point, and we learned angular momentum of a point mass about an. Now I'm doing two more things. Angular momentum of a rigid body about a point. ये देखिएगा, ये एक rigid body है. Mayank, you have already done rotation, should be, you have already done थोड़ा सा theory. Tell me, this is, I want to see how much clarity you have. This is a rigid body of mass M. And it is rotating with some angular velocity omega cm about this axis, centroidal axis. So I am writing. So ये perpendicular to the plane है. I cm हाँ कुछ भी है मतलब कोई भी axis है vector form में है और ये move कर रहा है some velocity v cm से vector form में लिख रहे हैं हाँ moment of inertia about this axis is I cm. Now my question is this is a rigid body जो दोनों काम कर रही है translate भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है तो इट इज लाइक अ मोस्ट जनरल मोशन यू विल एनकाउंटर. नाउ आई टेल यू इस बॉडी का इस पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या है. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टेल मी. तो एक चीज होती है स्पिन. व्हेन अ बॉडी रोटेट्स अबाउट इट्स ओन सेंट्रोइडल एक्सिस दैट इज कॉल्ड स्पिनिंग. तो ये जो उसकी वजह से जो एंगुलर मोमेंटम है वो हो जाएगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम. उसको हम बोलते हैं एल एस. स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या है इस बॉडी का बताइए. आई सी एम ओमेगा सी वेक्टर फॉर्म में. आई इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये सीखेंगे अभी थोड़ी देर में. अब रोटेशन पे एंट्री मारेंगे तो थोड़ा अभी सुन लीजिए. जैसे लीनियर मोमेंटम होता है एम वी, ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल मोशन में मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेता है रोटेशनल मोशन. एंड विल डू वील अंडरस्टैंड वाई. सो आई इज दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड वी वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी. सो दिस इज कॉल्ड स्पिन एंगुलर मोमेंटम. सो एक तो हो गया स्पिन एंगुलर मोमेंटम. सुरभी आगे बोलिए. एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस क्या होगा बताइए. वो कितना होगा आर क्रॉस पी एम बी जो हमने अभी पहले सीखा. And the vector sum of these two will give me the total angular momentum about O. So total angular momentum L will be equal to LO plus LS. इसको note कर लीजिए fast. आगे चलते हैं. ये है orbital angular momentum, spin angular momentum. The total angular momentum और इसकी implications और applications जब आप देखेंगे तो you'll be really amazed. अभी हम सिर्फ उसके फंडे theory करते जा रहे हैं. जब इसकी applications आप देखेंगे you'll enjoy. ये हुआ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ रिजिड बॉडी. ये थर्ड कॉम्पोनेंट था एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ पॉइंट. नाउ फोर्थ थिंग इज एंगुलर मोमेंटम. बेटा मुझे क्या लगता है वी अंडरस्टूड एंगुलर मोमेंटम हाँ ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ पॉइंट. नाउ कैन एन यून टेल मी एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस. अगर पूछी जाए तो क्या करेंगे बताइए. सिंपल उस एक्सिस पे कोई एक पॉइंट चूज कर लेंगे उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे रिजिड बॉडी का और फिर उसका कंपोनेंट निकाल लेंगे अबाउट दैट एक्सिस जो पहले क्या है. चारों चीजें क्लियर हो गई. सेम चीज पांच और छह चार चीजें तो हो गई. फिफ्थ एंड सिक्स्थ आर टॉर्क ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट विल बी व्हाट आर क्रॉस एंड टॉर्क ऑफ अ फोर्स अबाउट एन एक्सिस क्या होगी. अब मैं एक बहुत सिंपल क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ. दिस इज अ फोर्स एफ नॉट एंड देर इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी नॉट फ्रॉम एन एक्सिस जो ऐसे है इसके पैरेलल. व्हाट इज द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस एक्सिस. फर्स्ट आपने क्या किया इस एक्सिस पे एक पॉइंट चूज किया कोई भी. मयंक इसके अबाउट टॉर्क क्या है इस फोर्स की बताइए. इस पॉइंट के अबाउट एफ नॉट डी नॉट यस और नो. फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन क्या है ऐश्वर्या. आर क्रॉस एफ आर ये वेक्टर है आर क्रॉस एफ इंटू द प्लेन आर इंटू द प्लेन आ गई. अब इंटू द प्लेन वो है उसका कॉम्पोनेंट अलॉन्ग दिस एक्सिस क्या होगा cos 90 जीरो. सो टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस एक्सिस इज जीरो. टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस पॉइंट इज एफ नॉट डी नॉट. ये क्लैरिटी मुझे इस लेवल पे चाहिए थी. यू हैव दैट. अगर ये v वेलोसिटी से चल रहा है तो इसकी प्योर रोलिंग हो रही है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी. अब मैं आपसे पूछूं इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना है. फास्ट सॉलिड स्फीयर आई कितना है 2/5 mr². ये हो गया स्पिन एंगुलर मोमेंटम. उसकी डायरेक्शन क्या है. मेरी क्या डायरेक्शन मतलब बात कर रहे हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम की. डायरेक्शन पूछूंगा किसी और की. ऑब्वियसली भाई ओमेगा की जो डायरेक्शन है वही एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन हो. आए ओमेगा तो ओमेगा की डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज मतलब इनटू द प्लेन. इनटू द प्लेन बोले तो इनटू द फिर आपने आईएस लिखा है वो मैं जानबूझ के थोड़ा देखना चाह रहा हूँ स्पिन एंगुलर मोमेंटम. अब मुझे बताइए अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछूं तो
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होगा? करेक्ट. अगर मैं पूछूं इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताइए, पॉइंट वन के अबाउट. अगर मैं बोलूं ओ के अबाउट बताइए, ओ सेम आएगा. समझ में आ रहा है? अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखिए. अब क्वेश्चन दिया जाता है कि एक स्फीयर है सेम m मास r रेडियस का. सुरभि फिर से आप बोलेंगे हाँ, m मास r रेडियस का एक सॉलिड स्फीयर है, उसको v नॉट वेलोसिटी दी, देयर इज नो ओमेगा शुरू में, और उसको एक रफ सरफेस पे यूं बॉलिंग किया आपने, मतलब पढ़ाई ना करके बॉलिंग करते हुए घूम रहे हो. समझ में आ गया ना? नाउ अब देखिए, ये वी वेलोसिटी देके सेंटर ऑफ मास को नो रोटेशन, देयर इज नो रोटेशन, छोड़ दिया वी नॉट, एंड वी वॉन्ट टू फाइंड के ये, अब देखिए रफ सरफेस पे रख दिया ऐसे जेंटली यूं करके, अब जेंटली रख दिया तो ये थोड़ी देर में फ्रिक्शन, विल इट बी स्लिपिंग यस और नो, पहले ये बताइए शुरू में, जस्ट सिचुएशन को समझिए, अभी लिखिए मत. बॉडी शुरू में स्लिप करेगी, और स्लिप करेगी तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? सिंपल काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा. काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर या इधर बॉडी पे? इधर. अब ये इधर इधर में मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, आपका इधर मेरे उधर है, तो आप आपने इधर हाँ जो है ये वाली ओ वन के अलॉन्ग, वन ओ के अलॉन्ग, वन टू ऐसे बोलना, ठीक है? फ्रिक्शन इधर लगेगा, और वो वैल्यू कितनी होगी? अगर कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू, mg इज द नॉर्मल रिएक्शन, तो म्यू विल बी द फ्रिक्शन, और वो कांस्टेंट होगी या नहीं? क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन इज कांस्टेंट, स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो टू मैक्सिमम वेरी करता है, ये काइनेटिक है, काइनेटिक नहीं करेक्ट. तो अब इस क्वेश्चन को एक तरीका करने का है कि फाइंड कितनी दूर जाके ये प्योर रोलिंग में शुरू हो जाएगा, कितने टाइम बाद होगा, और वो फाइनल वेलोसिटीज क्या होंगी. ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स पीछे मैंने मान लिया. अब मैंने देखा, सीख लीजिए, ये मैं क्विकली करूंगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये नहीं सिखाना चाहता हूँ, ये तो सिर्फ अवेयरनेस होनी चाहिए. तो इनिशियल वेलोसिटी इज v नॉट, और इसकी एक्सेलरेशन क्या हो गई, एफ अपॉन मास, और एक्सेलरेशन किधर है, ऑपोजिट. सो इनिशियल वेलोसिटी इज v नॉट, फाइनल वेलोसिटी मान लेता हूँ v, जो कि प्योर रोलिंग के टाइम पे शुरू हो जाएगी, इधर v है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और अब प्योर रोलिंग हो गई है, अब स्लिपिंग खत्म हो गई है, उस वक्त v है, और मान लेता हूँ टाइम लगा t, टाइम इज t नॉट, हाँ सॉलिड स्फीयर, एक्सेलरेशन इज μg माइनस के साथ, y माइनस, क्योंकि v नॉट को मैंने पॉजिटिव लिया है, राइट को पॉजिटिव लिया, तो ऑब्वियसली एनीथिंग इन लेफ्ट, एनी वेक्टर इन लेफ्ट विल बी नेगेटिव. हाँ, तो यहाँ से v इज इक्वल टू u प्लस at इक्वेशन आई, और वो आई v इज इक्वल टू t टाइम बाद प्योर रोलिंग. ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, अब एंगुलर वेलोसिटी के लिए कैन एनीवन टेल मी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंड फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमने मानी हुई है ओमेगा, और टाइम हो गया टी, दोनों में कॉमन है इसलिए अज्यूम कर लिया. नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? तो अल्फा निकालेंगे, अल्फा सिंपल है, एमजी नॉर्मल रिएक्शन, इनकी वजह से तो टॉर्क क्या है, जीरो, सिर्फ एफ की वजह से है, और वो कितनी है, एफ इंटू, यस एफ इंटू आर, और एफ कितना है हमें पता ही है ऑलरेडी, म्यू एम जी, सो म्यू एम जी इंटू आर, दिस इज द टॉर्क, टॉर्क डिवाइडेड बाय एफ, दिस गिव्स मी अल्फा, ये ठीक है. ये सुरभि इतनी मीन है, चुपचाप पहले ही कर लेती है, जब तक हम लोग इधर डिस्कस करते हैं, ये नहीं कि सबको साथ लगे. तो ये हो गया 5 μg बाय 2r. नाउ अल्फा ये हो गई, अब अल्फा ये है तो यहाँ पे अल्फा को रख देंगे v = u + at, तो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, विच इज 5 μg बाय 2r इंटू टी. अब मेरे पास अननोन कितना है, ये देखिए v ओमेगा एंड टी, यस और नो? हमें थर्ड इक्वेशन चाहिए, चाहिए, अगर थर्ड आ भी जाएगी तो मेरे पास चार अननोन है, चार अननोन है, म्यू भी अननोन है, मैंने दिया ही नहीं, तो म्यू कैंसिल हो जाएगा. हाँ, द गेम इज म्यू इनटू टी. कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आएंगी आपके पास, मैथ्स में भी आएंगी, कि यू विल हैव वन इक्वेशन लेस, तो वहां पे प्लीज बी अलर्ट. सी हियर, v ओमेगा एंड एक कंडीशन है प्योर रोलिंग की, v इज इक्वल टू r ओमेगा, यस और नो? नाउ यू हैव थ्री इक्वेशंस, बट अपेरेंटली यू हैव फोर अननोन्स, v ओमेगा एंड म्यू एंड टी. But if you realize mu and t is always together, so if you define mu into t as a different constant, some k, so you have three equations, three unknowns, yes or no? So agar v omega aur wo k nikalna hai to nikal jayega easily. Haan, agar koi bole time batao ya mu batao, then you need a fourth equation. Do you understand kahani? Ye clearly samajh mein aani chahiye, badi strange si, unique si situation hai, which should open your eyes for some other new situations also. चलिए अब मैं इसे रब कर रहा हूँ, और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो विल गेट वी ओमेगा. इसका एक और बेटर तरीका है, ये तो हो गया ट्रिवियल तरीका, विच एनी स्टूडेंट विल डू. नाउ लेट कम बैक टू एंगुलर मोमेंटम का फंडा, और उससे एक लाइन में आंसर आएगा. अगर मैं आपसे पूछूं फाइनली व्हाट इज वी ओमेगा, तो देखिए कितने इजीली आंसर आएगा. ये रब कर दूं सब. सुरभि, इन दिस सिचुएशन विल द एंगुलर मोमेंटम बी कंजर्व्ड, यस और नो?
यस यू थिंक अबाउट इट अबाउट विच पॉइंट ये लीजिए वन या जीरो कोई सा भी एक पॉइंट ले लो विच इज फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड एग्जैक्टली अगर आप ध्यान से देखें देखिए कुछ ही लोगों को इसके आगे कहानी समझ में आएगी ये बहुत इजी वाला है मैं अभी आज थोड़ा सुरभि को रियलाइज हो जाएगा त्यागी सर थोड़ा चैंप है वो मैं अभी ले जाऊंगा उस लेवल पे तो थोड़ा अटेंटिव रहिए तभी आपको समझ में आएगी ये तो बहुत इजी है ये देखिए पे अटेंशन अगर मैं पॉइंट वन लू या पॉइंट जीरो लू कोई सा भी उसके अबाउट टॉर्क बताइए देखिए क्या होगी टॉर्क होगी अबाउट जीरो एक तो होगी एम जी एक एन और एक एफ तीन ही फोर्सेस है एम जी की वजह से क्लॉकवाइज होगी एन की वजह से एंटी क्लॉकवाइज होगी एम जी इज इक्वल टू एन है या नहीं है तो उसकी वजह से टॉर्क होगी जीरो अब बचा फ्रिक्शन फोर्स की वजह से टॉर्क क्या होगी अबाउट ओ इट इज पासिंग थ्रू दैट पॉइंट फ्रिक्शन फोर्स ग्राउंड पे लग रहा है और वहीं से पास हो रही है तो नेट टॉर्क अबाउट ओ इज जीरो तो विल द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बी कंजर्व्ड यस और नो नाउ ऐश्वर्या सब लोग चुप रहेंगे सिर्फ ऐश्वर्या बोलेगी शुरू में मैंने इसको वी नॉट वेलोसिटी दी थी देयर वाज नो ओमेगा वाज देयर एनी ओमेगा नो सो व्हाट इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी अबाउट ओ एम परफेक्ट एंड देयर इज नो स्पिन एंगुलर मोमेंटम कृतिका समझ में आ रहा है आई ओमेगा है ही नहीं स्पिन हो ही नहीं रही है शुरू में इसको वी नॉट वेलोसिटी दी और यूं करती है यस दिस इज फास्टर अभी इसकी ब्यूटी देखेगा ये तो इसमें कुछ नहीं है यहाँ से तो शुरुआत है इस कॉन्सेप्ट की इसके आगे आगे रियलाइज होगा यूज नाउ ध्यान दीजिए तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू शुरू में अब फाइनली यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम 2/5 mr² v/r + mvr करेक्ट क्योंकि स्पिन प्लस ऑर्बिटल दोनों होंगे अबाउट ओ तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियली एंगुलर मोमेंटम फाइनली कंजर्व कर दिया और यहाँ से हमें वी निकल गई और ओमेगा भी निकल गई ओमेगा ये क्लियर समझ में आया अब थोड़ा इंटेलिजेंस चेक होएगी तो ये समझ में आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अब मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूँ अब सिचुएशन देखिए अब मैं उल्टा कर रहा हूँ ये एरोडॉफ की प्रॉब्लम थी अब मैं उल्टा कर रहा हूँ अब मैं ओमेगा दे रहा हूँ शुरू में नो वेलोसिटी और इसको रख दिया फाइंड द फाइनल वी एंड ओमेगा जल्दी करिए नाउ मैंने एक स्फीयर को यू घुमाया और जेंटली उसको रफ सरफेस पे रख दिया यू घुमा के ओमेगा देके अब वो थोड़ी देर में प्योर रोलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा फाइंड वी ओमेगा वी एंड ओमेगा वी एंड ओमेगा फाइनल प्योर रोलिंग की जो वेलोसिटीज है बट ओमेगा इज नॉट नोन ना अच्छा ओमेगा नॉट ठीक मैं लिख देता हूँ देखिए एंगुलर मोमेंटम इनिशियली संबोधी कितना होगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज दिस एंड ऑर्बिटल कितना है इस पॉइंट के अबाउट एम वी आर वी वेलोसिटी क्या है जीरो वेलोसिटी जीरो है तो जीरो तो टोटल एंगुलर मोमेंटम इज ये हो गया स्पिन ऐश्वर्या और ये हो गया ऑर्बिटल यस सर वेरी बार अपने आई की वजह जानबूझ के मैं ये भी नोट कर पाता हूँ सो ये हो गया टोटल एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनली जब ये प्योर रोलिंग शुरू कर देगा तो वेलोसिटी वी एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अब उसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ क्या होगा इट विल बी स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा 2/5 mr² * ओमेगा परफेक्ट एंड वी और आर में क्या रिलेशन है क्यों है ये रिलेशन प्योर रोलिंग हो रही है तो इन दोनों में स्लिपिंग नहीं हो रही तो इसकी वेलोसिटी जीरो है तो इसकी भी जीरो है सुपर इम्पोजिशन से वी और इधर आर ओमेगा तो इसलिए वी माइनस आर ओमेगा शुड बी जीरो उसके बाद क्या होगा अब सिचुएशन में आ रहे हैं ना रेडी रब कर दूं हाँ उसके बाद प्योर रोलिंग करते हुए चलता रहेगा इफ इट इज एन आइडियल सरफेस एंड अगर आइडियल सिचुएशन है प्योर रोलिंग हो रही है तो प्योर रोलिंग करते हुए बॉडी चलती रहती है और बहुत कम लॉस होते हैं तो टिल इन्फिनिटी इट विल कंटिन्यू अगर आइडियल से लेकिन हाँ तो फिर ये प्योर रोलिंग करते करते काफी दूर जाके रुक जाए क्योंकि वो रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो इसको उसकी इक्वेशन इतनी इजी नहीं एचसी वर्मा पढ़ लो उसमें थ्योरी दी हुई है कैसे सरफेस जो कॉन्टेक्ट सरफेस है वो नॉर्मल फोर्स शिफ्ट होगी टॉर्क प्रोड्यूस करता है परफेक्ट परफेक्ट और वो बहुत टेंडिंग टू जीरो है तो इसलिए बहुत स्लोली स्लोली होता है धीरे धीरे एंड फाइनली क्योंकि आई सॉ क्वेश्चन सिमिलर टू